बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.6। ये पेज 26 पे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है आपने, और उन्होंने ना ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे एक्स माइनस टू कॉमा टू बराबर है 4, y+1 के। ये लाइन पता नहीं क्यों लग गई, एक सेकेंड इसको डिलीट कर दूं। अब आपको याद होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब बड़ी ज़रूरी होती है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, पहले वाली इसके पहले वाले के, और इसी तरह ये चीज़ बराबर है इसके। तो एक्स माइनस टू बराबर है 4 के, तो इससे क्या नतीजा निकला, एक्स 6 के बराबर है, माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले से y+1 बराबर है 2 के, जिसका मतलब ये है कि y बराबर है 1 के, क्योंकि 1 + 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। जब आप कंफर्म कर लेते हैं बुक में जो उन्होंने आंसर दिए उनको चेक कर लेते हैं। जी 6 और 1 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला वाला पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, उसमें भी ऐसा ही है, सेकंड पार्ट है। उसमें यह है कि x+2 2y-1 बराबर है 3 और 5 के। तो अगेन चेक वो ये कर रहे हैं कि आपको क्या तरतीब, क्या आपको ये चीज़ याद है कि ऑर्डर पेयर में तरतीब का जो है ना वो एक बुनियादी रोल होता, एक कॉन्सेप्ट के अंदर वो बुनियादी चीज़ है। तो x+2 बराबर हो गया 3 के, और 2y-1 ये दूसरी वाली जो चीज़ है इस ऑर्डर पेयर में, ये इसके बराबर आ गया। तो x+2 बराबर है 3 के, तो x बराबर है 1 के, प्लस टू उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर y वाला पार्ट करूँ तो 2y-1 बराबर है 5 के, तो 2y बराबर है किसके, -1 उधर जाके +1 होगा, तो 5 + 1 6 हो गया, तो वाई बराबर आ गया 6/2 जो कि 3 के। तो वैल्यू है 1 और 3, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। अब इस सवाल का तीसरा और आखिरी पार्ट करते हैं, मैं इधर ही कर लेता हूँ। वो है x-1 y+2 बराबर है 2x+4 और ये -4 के। तो ये पहला इसका और इसका ये पहला, ये बराबर हो गए, और इसी तरह इसका ये दूसरा और इसका ये। तो y+2 बराबर है -4 के, तो y बराबर आ गया +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, -2 और -4 -6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x-1 बराबर है 2x+4 के। इसको अब मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे 2x+4 बराबर है x-1 के। इस चीज़ को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो 2x-x, x+ ये +x उधर जाके -x हो गया, तो ये -1 और इधर से जो +4 है उधर जाके -4 हो जाएगा, तो x इक्वल आ गया -5 के। तो -6 और -5 ये वैल्यू है, डबल चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि अगर a बराबर है -1 और 1 के, b बराबर है 1/2 और 1/3 के, तो कहते हैं कि a क्रॉस b
और बी क्रॉस ए ये निकालें। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले -1, इसका पहला ले लें, पहले ए क्रॉस बी है ना, तो ए के एलिमेंट्स पहले लेने हैं एक एक करके, और उनके पेयर्स बनाते जाने हैं बी सेट के हर एलिमेंट के साथ। मैं रिवाइज़ करता हूँ सादा लफ्ज़ों में, कि ए का पहला वाला एलिमेंट लें या पहला वाला रुकन ले लें, और उसको बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बना लें, फिर इसका दूसरा पिक करें और बी के तमाम अरकान के साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बना लें। तो इसका मैं -1 लेता हूँ, तो इधर क्या आएगा, इधर से 1/2 आ जाएगा। अब इसमें एक और मौजूद है ना, तो फिर मैं -1 को दोबारा रखूँगा और 1/3 तक कर लूँगा, जब तक इसके तमाम अरकान ख़त्म ना हो जाएं। अब ख़त्म हो गए ना, 1/2, 1/3 दोनों आ गए -1 के साथ, तब अगला वाला पिक करते हैं ए का 1, तो फिर उसी तरह 1/2 और 1 के साथ 1/3। ये तो आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब आप जनाब बी क्रॉस ए निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें बी सेट के अरकान पहले ले लेंगे, ए के बाद में लेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। तो पहले मैं इसका 1/2 लेता हूँ, इसका -1, इसका 1/2 ही बरकरार रखता हूँ, और इसका अगला वाला एलिमेंट ले लेता हूँ 1। आप चूँकि ये दोनों मुकम्मल हो गए, तो अब मैं 1/2 के बाद बी का अगला वाला 1/3 लेता हूँ, इसका -1, और फिर दोबारा आखिर में 1/3 और इसका 1। फ़र्क यह है कि इसमें आपको मालूम है कि इसमें ए के एलिमेंट्स पहले लेने हैं, इसमें बी के पहले लेने हैं। मैं ज़रा डबल चेक कर लूँ, हाँ जी ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। वो क्वेश्चन जो है 3, वो भी 2 से मिलता जुलता है, उसमें सिर्फ ये है कि जो अरकान है ना वो ज़्यादा हैं सेट से। मेरा ख्याल अगले पेज पे करता हूँ। उसमें ए सेट बराबर है 1, 2, 3 के, और बी सेट बराबर है -1, -2, -3, -4 के। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस बी से बात शुरू करते हैं। ए का पहला एलिमेंट लें और इसके तमाम एलिमेंट के साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, फिर बी एक सॉरी ए का दूसरा वाला लें और बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, फिर ए का तीसरा वाला ले लें जो कि 3 ही है, और बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बना लें। तो 1 से शुरू करता हूँ ए के, और इसके एक एक करके सारे लेते जाते हैं, 1, -2, 1, -3, 1, -4। अब देखें 4 हो गए ना ये चारों, तब मुझे ए का दूसरा वाला लेना जो कि 2 है, 2, -1, 2, -2, 2, -3, 2, -4। अब मैं तीसरा वाला लेता हूँ, 3, -1, 3, -2, 3, -3, 3, -4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 अरकान है, जो कि ठीक है क्योंकि आपका मालूम है ना कि तादाद क्या होती है, कि पहले के जो हैं अरकान और दूसरे के अरकान को ज़रब दे दें, तो ये 12 आ जाएगा। या मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ, वही प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क यह है कि पहले अब हमने बी के लेने हैं, तो ये -1 के साथ 1, -1 के साथ ये 2, -1 के साथ ये 3, ख़त्म हो गया। अब -2 लेते हैं, इसका -2 के साथ फिर ये 1, -2 के साथ 2, -2 के साथ 3। अब हमने -3 लेना है इधर से, -3 के साथ 1, -3 के साथ 2, -3 के साथ 3। अब इसका -4 लेते हैं पहले, -4 के साथ इसका 1, -4 के साथ 2 और -4 के साथ 3। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी 12। आई होप कि ठीक होंगे। बहरहाल मैं
देख लेता हूँ त्यादन। 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, मैं क्विकली देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ठीक ही है, कोई मसला नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इससे ही मिलता जुलता। उसमें ए बराबर है एक्स वाई जी के, और बी बराबर है सिर्फ ए के। तो उसमें हमने करना क्या है कि ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना और बी क्रॉस बी निकालना। तो ए क्रॉस ए पहले मैं निकालता हूँ, इसका मतलब ये कि ए को अपने साथ ही करना है। इसका मैं पहला एलिमेंट लेता हूँ एक्स, तो एक्स पहला एलिमेंट लेके मुझे इधर से ही शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि जब एक किसी सेट के उसी के साथ बनाने, तो पहला लेके तो ये नहीं कि उसका ऑर्डर पे दूसरे के साथ बनाना, बल्कि उसी के साथ बनाना है। बल्कि अगर आप इसे आसान मजीद करना चाहते हैं तो यूँ समझें कि ये यूँ लिखा हुआ है, एक एक सेट को इधर लिखें फिर इसी को दोबारा लिख लें, तो अब आसानी होगी। पहला इसका लें फिर एक एक करके तीनों ले लें। अभी मैं ये कर रहा हूँ एक्स, फिर इसका वाई ले लूँ, एक्स ही रख के इसका जी ले लूँ इसका, उसके बाद मैं इसका दूसरा लूँ वाई और इसका एक्स, वाई का फिर ये दूसरा वाई और इस वाई के साथ इसका दूसरा जी। अब मैं इसका आखिरी वाला लेता हूँ जी, इसके साथ इसका पहला एक्स, जी के साथ वाई और जी के साथ सी। ठीक है, एक तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 × 3, ए भी 3 है ना, और ए भी 3 है। तो यहाँ भूलना नहीं है, गलती यहाँ होने के ये चांसेस हैं कि जब आप ए क्रॉस ए करें तो आप एक्स से शुरू करें और उसका पहला ऑर्डर फिर आप वाई के साथ बना दें। नहीं, एक्स साथ शुरू करें तो इसी के साथ पहला बनाएं, फिर अगले के साथ, तो फिर अगले के साथ, उसके बाद दूसरा चूज़ करें इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, अपने आप के साथ, फिर इस तरह। ये ज़रूर करना है, उसका मैंने एक आसान तरीका बताया। अगर आपको ये इस तरह सोचना आसान है तो ऐसे कर लें। अब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो पहला ए का ले लें एक्स, बी में तो सिर्फ ए ही है ना, तो बस ख़त्म होगी बात। अब इसका मैं दूसरा ले लूँ वाई, बी का ए आ गया, इसका जी और बी का ए आ गया। ठीक है, अब मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ, तो बी को पहले ले लूँगा ए और इसका मैं पहला एलिमेंट लूँ एक्स। अब इसी के इसको लेके मुझे अब इसके दूसरे वाई के साथ बनाना होगा और एंड में फिर जी के साथ बनाना होगा। और आखिरी वाला बी क्रॉस बी, वो क्या होगा, ए को सिर्फ ए के साथ ही ऐसे। जब आप चेक कर लेते हैं, ए क्रॉस बी जो है वो एक्स ए, वाई ए और जी ए है, ए क्रॉस ए जो है वो एक्स 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 वाई एक्स जी, वाई एक्स वाई 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 जी और जी एक्स सी वाई जी जी, और बी बी जो है ना वो सिर्फ ए ए है, और बी ए जो है वो ए एक्स ए वाई ए जी। सारे जवाब ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हर एक के मतलब जोड़ों की तादाद लिखें, मैंने शायद नहीं लिखी। ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। अगला सवाल करते हैं, उसमें लिखा है कि अगर ए सेट के अंदर जो है ना वो 4 अरकान हो, ये सेट नहीं है, उसके अरकान की तादाद है, याद रखिएगा, एलिमेंट्स की। और बी है उसके जो एलिमेंट्स है ना वो 5 हैं, तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, ए के 4 है ना और बी के कितने 5 हैं, तो 20। बी क्रॉस ए के कितने होंगे, बी के कितने हैं 5, ए के कितने हैं 4, ये भी 20 होंगे। दोनों सूरतों में जवाब 20 ही आएगा। ये उन्होंने ट्रैक करने की शायद कोशिश की है, लेकिन बहरहाल याद रखें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
जवाब एक ही होगा। अच्छा, अगला वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसी पे कर लेते हैं। उन्होंने ना ए क्रॉस बी दिया हुआ है हमें, उससे हमने सेट ए और बी निकालने हैं, तो ये दिया हुआ उन्होंने, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस थ्री, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस थ्री। अब हमें ए क्रॉस बी दिया है ना, तो याद रखिएगा जो पहले वाले हैं ना, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए ए, ठीक है जी। और ये बी है, बी बी है, ये बी है, ये बी है, और ये बी है। तब ए लिखते हैं, ए में क्या आता है, फोर। अब ये भी फोर आता है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइव 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 लिख लिया, सिक्स 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 लिख लिया। अब जनाब आप बी निकालें, तो बी क्या है, माइनस फोर, बी है माइनस थ्री, ये माइनस फोर दोबारा आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस थ्री दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस फोर पहले लिख चुके हैं, माइनस थ्री दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो बस ये जो आपको चेक करता है, ए है फोर फाइव सिक्स, बी माइनस थ्री माइनस फोर, बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा। तो इसमें चक्कर यही है कि सिर्फ आपने तरतीब याद रखनी है, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले वाले ए के हैं सारे, अगर उन्होंने इसको बी क्रॉस ए लेबल किया होता तो ये उल्टा हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है ना वो ये सीधे साधे सवाल ख़त्म हो गए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए वाले। आगे जो सवाल है ना वो कार्टीजियन प्लेन वाले हैं, तो उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, उसमें उन्होंने ना दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो मैं वो बना लेता हूँ पहले। आपको याद होगा कि इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसको एक्स डैश लिखते हैं, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे को यानी कि इस पॉइंट से या इस लाइन से नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। इधर इस लाइन से इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और इस लाइन से इस तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब जनाब हम वो पॉइंट्स लेते जाते हैं और बताते जाते हैं। पहला है जी फाइव और सिक्स, ठीक है, फाइव और सिक्स। अब पहले एक्स होता है, दूसरा वाई होता है ना, तो देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो फाइव सिक्स जो है ना इधर आएगा। अब मैं उनको बनाने नहीं लगा, लेकिन बस क्वाड्रेंट में लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तरतीब इस तरह होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। अगला वाला है माइनस थ्री और टू, यानी कि एक्स नेगेटिव है, माइनस थ्री, वाई पॉजिटिव है, तो इधर कहीं आएगा इसमें, माइनस थ्री और टू। मैं इन्हें प्रॉपर स्केल से ड्रॉ नहीं करा, बस वैसे ही लिख रहा हूँ। अगला है वन माइनस सेवन, यानी कि एक्स पॉजिटिव है वन, और वाई नेगेटिव है माइनस, ये इधर, तो इधर आएगा वन माइनस सेवन, तीसरे चौथे वाले क्वाड्रेंट में। अगला वाला है माइनस फोर और माइनस टेन, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, एक्स नेगेटिव इधर है, वाई नेगेटिव इधर है, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस फोर माइनस टेन। अगला वाला है टू माइनस थ्री, एक्स पॉजिटिव है टू, और वाई नेगेटिव है, ठीक है ना, माइनस थ्री, तो इधर आएगा टू माइनस थ्री। अगला है फोर नाइन, दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर आएंगे फोर नाइन। अगला है माइनस वन माइनस फोर, दोनों नेगेटिव हैं, ये माइनस वन एक्स इधर को नेगेटिव है, और माइनस फोर यानी कि वाई इधर को नेगेटिव है, तो माइनस वन माइनस फोर इधर आएगा। आखिरी वाला है माइनस फाइव और फाइव, यानी कि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये
इस क्वाड्रेंट में आएगा, -5 और 5। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दोबारा से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस वाला है, बी क्रॉस ए वाला क्वेश्चन आ गया। ए है 1 0 2, बी है ई, ई का मतलब है कि इवन नंबर, जुफ्त तादाद। उन्होंने कहा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी निकालें। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सवाल में ये है कि ए सेट तो लिमिटेड है, इनके तीन एलिमेंट है इसमें, तादाद नज़र आ रही तीन। बी जो है वो इवन सेट लिखा हुआ है, जुफ्त तादाद, और वो पूरे का पूरा सेट है, नहीं कि वो सेट तो मतलब लामहदूद है ना, कि 2 से शुरू करो, +0 +-2 +-4, तो सेट ख़त्म ही नहीं होता। तो अगर हम उसके साथ यूजुअल तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करें, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के, वो तो फिर लामहदूद आ जाएंगे ना, क्योंकि इधर लामहदूद है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकेंगे, जैसे वन इसका लिया तो इवन का 0 ले लिया, अब फिर हमने वन ले कर दोबारा से इसका +2 ले लिया, फिर हमने 1 और -2 ले लिया, ये तो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से इसको नहीं लिखेंगे, इसके जवाब को, इसके जवाब को तो लिखेंगे हम इस तरह कि ए क्रॉस बी बराबर है, इस तरीके से लिखेंगे, एक्स वाई के, जबकि एक्स बराबर है या एक्स सबसेट है ए का, और एक वाई सबसेट है ई का, इवन इवन का, इवन नंबर्स का सबसेट है। तो जहाँ पे अनलिमिटेड सेट हो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अब ए क्रॉस बी में ही आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना, और बी के अनलिमिटेड हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसी तरह बी क्रॉस में ए में भी ऐसा ही होगा कि पहले क्या करेंगे आप, एक्स वाई लिखेंगे, जबकि एक्स जो है ना इस दफ़ा बी क्रॉस ए ना, तो एक्स किसका एलिमेंट हिस्सा होगा, ई का, ठीक है, और वाई किसका होगा, ए का। अब मैं ए क्रॉस ए करता हूँ तो ये तीन है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो लिमिटेड नंबर है ना तीन, तो ए क्रॉस ए, तो उसको इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको वो पूरे के पूरे बनाने पड़ेंगे। 1,1, 1,0, 1,2, फिर 0,1, 0,0 और 0,2, और एंड में फिर 2,1, 2,0 और 2,2, ठीक है। अब बी क्रॉस बी करेंगे, ये दोबारा से अनलिमिटेड है, ये सेट अनलिमिटेड है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें वो भी अनलिमिटेड होगा, तो इसको फिर ऐसे लिख देंगे, x,y, जबकि x और y दोनों के हैं सबसेट हैं e के, यानी कि इवन नंबर्स के। तो इस तरह ही आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगला वाला जो सवाल है उसमें उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर्स बताए हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि उनको ग्राफ पेपर पे बनाएं। मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि उनको जो है ना एक नए वाले वीडियो में बनाया जाए, ताकि ये है कि उन पर अगर हम टाइम अच्छी तरह स्पेंड करें, आपको समझ आए और वीडियो की लेंथ भी एक मुनासिब रहे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।